राजस्थान से आज 131 कोरोना के पॉजिटिव केसेस सामने आए। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 12,532 फिलहाल हो गई है। भरतपुर से सबसे ज्यादा 34 केसेस, धौलपुर से 40, जयपुर से 15, अलवर से 12 केसेस, बीकानेर में 9, दौसा में 3, सवाईमाधोपुर में 3 और पॉजिटिव उदयपुर से भी 2 पॉजिटिव मिले हैं। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा और करौली से 1-1 पॉजिटिव आज पाया गया। इसी के साथ अन्य राज्यों के 4 लोग भी आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जी हाँ, राजस्थान में कोरोना से आज 4 लोगों की मौत भी हुई। भरतपुर से 2 मौतें आज हुई है, गंगानगर से 1, जयपुर में भी 1 मौत हुई है। और इसी के साथ प्रदेश में कोरोना से अब तक मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़कर 286 फिलहाल। लगातार प्रदेश में भी कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है। राजस्थान से आज 131 नए कोरोना के पॉजिटिव केसेस सामने आए और फिलहाल जो संख्या है वो 12,532 राजस्थान में कोरोना के संक्रमित मरीजों की। भरतपुर से सबसे ज्यादा केसेस पिछले कई दिनों से सामने आ रहे हैं, आज भी 34 केसेस वहां से मिले हैं। इसके अलावा 4 मौतें भी आज प्रदेश में हुई है, 286 फिलहाल कुल मौतें अभी तक प्रदेश में हो चुकी है। भरतपुर से 2 मौतें हुई है, गंगानगर से 1 व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई, राजधानी जयपुर से भी 1 व्यक्ति की मौत आज हुई है। लेकिन इन सभी के बीच में अगर राहत की बात हम करें तो ये है कि जो रिकवरी दर है वो भी काफी ज्यादा है। सभी राज्यों की तुलना में राजस्थान ने अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बेहतर कार्य किए हैं और पहला स्थान रखता है दूसरे राज्यों के मुकाबले। पर राजस्थान के 33 जिलों में कोरोना ने अपने पैर पसार लिए हैं और लगातार कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ते हुए सामने आ रहे हैं। इन सभी के बीच में प्रदेश सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कोरोना को हराने के लिए, जनता का साथ उनको मिला हुआ है। अनलॉक फेज 1 फिलहाल जारी है और उसी के क्रम में फिलहाल कार्य हो रहे हैं। राजस्थान में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 12,532। स्वास्थ्य महकमे के द्वारा पूरी सुविधा यहां पर उपलब्ध है। प्रदेश में प्रतिदिन 25,000 के आसपास टेस्टिंग की सुविधा यहां पर उपलब्ध है। लेकिन जो कोरोना का संक्रमण है वो फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और लगातार जो केसेस हैं वो सामने बढ़कर के आ रहे हैं। 131 केसेस आज भी राजस्थान से सामने आए। भरतपुर की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों से भरतपुर में कोरोना का एक विस्फोट हुआ है, आज भी 34 केसेस सामने आए। धौलपुर से भी 40 केसेस सामने आए, अलवर से 12, सवाईमाधोपुर से 3, उदयपुर से 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। भारी राज्यों के भी 4 व्यक्ति कोरोना के संक्रमित आज पाए गए। चार लोगों की मौत भी आज राजस्थान में कोरोना से हुई है। भरतपुर से 2, गंगानगर से 1 और जयपुर से भी 1 व्यक्ति की मौत दर्ज की गई। 286 लोगों की अब तक प्रदेश में कोरोना के संक्रमण के चलते जान जा चुकी है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए भरतपुर से एवं संवाददाता राजेंद्र जति फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, भरतपुर से आज भी 34 केसेस सामने आए। जी जयती, मैं बताना चाहूंगा कि भरतपुर में पॉजिटिव केसों की संख्या रोज बढ़ी रही है। बीच में 2 दिन जरूर शांति रही थी, जो इसमें 1 दिन 4 और 1 दिन 1 केस आया था जी। लेकिन कल भी मतलब जो 40 केसेज आए हैं और आज 34 केसेज आज मॉर्निंग की जो रिपोर्ट है उसमें मेडिकल बुलेटिन में मिले हैं। कुल मिलाकर के भरतपुर जिले में 971 पॉजिटिव केसेज पर आंकड़ा पहुंच चुका है और ये भरतपुर में जो संख्या बढ़ रही है ये चिंताजनक स्थिति है, होती जा रही है। बिल्कुल। और प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से हालांकि रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जब तक आम लोग इसमें पहल नहीं करेंगे तब तक इस पर रोकथाम बड़ा हो रहेगा। बिल्कुल राजेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी जिस प्रकार से भरतपुर में केसेस में इतनी तेजी आई, ग्राफ इतनी जल्दी बढ़ गया, 971 केसेस फिलहाल है, क्या कारण रहे इनके पीछे? जी, इसके पीछे बताना चाह रहा है कि पिछले दिनों जब आगरा में कोरोना केस की संख्या बहुत ज्यादा फैली थी आगरा के एरिया में, तो इधर जो सब्जी आती है वो आगरा और मथुरा और इधर के क्षेत्रों से जुड़े लोग लेकर के आते हैं जी। सब्जी मंडी में रात को जब सब्जी का खुलाव रहता था तो लोग
उसकी मास्क की और सैनिटाइजर की और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी पालन नहीं कर पा रहे थे। और मंदिर में काफी लोग एक साथ भीड़ में जाते थे, तो उसका परिणाम ये हुआ कि आज सभी लोग मंदिर समिति में जो है लोग दुकानदार मतलब संक्रमित मिले, उनके साथ संपर्क में आने वाले लोग संक्रमित मिले जी। और शहर के बहुत सारे लोग पूरा जिला ही मतलब ये माने तो इसके चपेट में आया है जी जी। उसके बिल्कुल। बाद में हालांकि प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया, बाजार भी बंद किए हैं, दुकान भी जो है, लेकिन अब बाजार का भी समय है और सब्जी मंडी का समय, सबसे पहले तो जो शहर की जो छोटी मंडी आए उनको बंद किया, धकेलों के माध्यम से शहर में सब्जी बिक्री का एक काम रखा है। सब्जी बड़ी मंडी यहाँ है वहाँ भी मतलब जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना और इस बात को लेकर के विशेष सावधानियां रखी हैं, और बाजार का टाइम भी अभी 9 से 3 बजे तक ही खोलने का रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर खुल गया, मस्जिद खुल गई और धर्मशाला गुरु चर्च जो ये धार्मिक स्थल नहीं खोले गए हैं, बाकी की पर्यटक स्थल खोल दिए हैं, दुकानें खोल दी हैं, होटल मॉल सारे ये मैरिज होम सब खोल दिए हैं, इसको लेकर के भी चिंता है। हालांकि लोग ये कह रहे हैं धार्मिक स्थलों में कौन सी है, जब धर्म और ईश्वर के पास आदमी जाता है तो दुआ भी करता है कि बीमारी की रोकथाम की प्रार्थना भी करेगा। इस बात को लेकर प्रशासन से पहुंचा है मामला, तो कल प्रशासन ने इन सभी धर्मों के जो अन्यायी है धर्माचार्य हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई है, कल इसमें पता लगा क्या तय होगा। लेकिन इसको रोकथाम के लिए प्रशासन की ओर से कभी 2-3 दिन से नई पहल शुरू की है कि जागरूकता अभियान चलाने के संबंध में एडीएम सिटी डॉक्टर राजेश गोयल ने पिछले दिनों जिला कलेक्टर नथवन नडेल के निर्देश पर एक यहाँ के जो एनजीओ हैं या विभिन्न संक्षेम संगठन है उन सामाजिक लोग हैं उनकी मीटिंग बुलाकर कहा था कि लोगों में प्रचार प्रसार हो इस बात को लेकर के। अभी 2-3 दिन से जागरूकता अभियान चला, जगह जगह लोग एनजीओ वाले स्वयं से संगठन वाले बोना बैनर पोस्टर्स लगा रहे हैं। कल सब्जी मंडी और जो मंडी यार्ड है उसमें काफी बड़ा कार्यक्रम होता है, 1800 लेबर्स को एक सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के तहत उनको इस बात की समझाइश की गई। एडीएम सिटी खुद रहे पुलिस प्रशासन के अधिकारी है लुपिन के सीताराम गुप्ता रहे, अन्य जो एनजीओ वाले हैं वो भी उसमें शामिल रहे और उसको को ये और किट भी दी गई है सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने के साथ साथ, और महत्व समझा। इस तरह का एक प्रचार एक अभियान अब शहर में और जिले में शुरू जरूर किया है प्रशासन की ओर से, जिससे लोग इसको कोरोना वायरस की बीमारी से बचने के लिए उसको समझे और उसकी पालना करें और सरकार की और जो उनकी गाइडलाइन और एडवाइजरी है उसकी पालना कर सकें जी। बिल्कुल। तो कहा जा सकता है कि शुरुआती दिनों में जो लापरवाही थी उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भरतपुर शहर को भुगतना पड़ रहा है, तो लोगों को समझना फिलहाल ये आवश्यक है कि छूट हमें मिली है, कोरोना को नहीं मिली है, अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया राजेंद्र। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी लोकेश ओला फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, लगातार कोरोना के केसेस राजस्थान भर से सामने आ रहे हैं, 131 केसेस आज भी सामने आए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव संख्या बढ़ती जा रही है उसमें हम मारवाड़ में अधिक संख्या पेशेंट की देखने को मिल रही है, जोधपुर पाली में लगातार कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। वहीं आज की बात करें तो आज प्रदेश में 131 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और उसमें सबसे अधिक जो कोरोना पॉजिटिव की बात करें तो जोधपुर में 40 कोरोना पॉजिटिव आज सामने आए हैं। उसी तरह भरतपुर में आज 34 कोरोना पॉजिटिव सामने आए, भरतपुर में भी लगातार जो कोरोना पॉजिटिव का ग्राफ है वो बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में जिस तरह से कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है उसी के अनुपात में 75% से अधिक जो मरीज है वो ठीक होते जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 12,532 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, तो वहीं अब तक बात करें तो 9,431 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं, इनमें से 9,059 कोरोना पॉजिटिव थे वो ठीक होने के बाद उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। ऐसे में जिस तरह से कोरोना ग्राफ बढ़ता जाए उसके अनुपात में देखा जाए तो एक्टिव की संख्या है 2,815 प्रदेश में। हालांकि जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं उसमें माइग्रेंट का फिर से बीते 2 दिन के बाद तो प्रवासी की संख्या फिर से बढ़ती नजर आ रही है, प्रदेश में अब तक 3,531 प्रवासी वो पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। हालांकि मौतों का ग्राफ भी बीते 5 दिन से लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, प्रदेश में आज जो मॉर्निंग रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार 4 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। ऐसे में जिस तरह से प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ी उसी के अनुपात में मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उसमें देखा जाए तो अब तक 286 लोगों की जो जान है वो जा चुकी है। हालांकि चिकित्सा विभाग की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से तमाम इंतजाम वो किए जा रहे हैं, वो वहां से आने वाले माइग्रेंट उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। साथ साथ में जिस तरह से जो प्रदेश में आने वाले जो प्रवासी थे और प्रदेश से जाने वालों की जो संख्या थी उसके अनुपात में जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या सामने आ रही थी
उसी को देखते हुए प्रदेश के बॉर्डर फ्यूजेंट की जो पास अनिवार्य किया गया है, बॉर्डर जो पार करते हैं उनको पास की अनिवार्यता वो दी गई थी, उसी को देखते हुए सरकार की ओर से भी फिर से तमाम इंतजाम कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए वो किए गए हैं जी। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया लोकेश।